दोस्तों महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी, जहां हर पार्टी चाहती है कि उसकी सरकार बने चाहे कैसे भी करके। महाराष्ट्र कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी पार्टी के लिए, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव एक तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा, लेकिन बाद में खुद सीएम बन गए और गठबंधन कर लिया किससे? महाविकास आघाड़ी, एक नया गठबंधन बना जिसमें शरद पवार भी थे, कांग्रेस भी थी और उद्धव ठाकरे भी थे। फिर उनकी सरकार गिराकर बीजेपी ने एक और नया गठबंधन बना लिया। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी तोड़ ली, शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने अपनी पार्टी तोड़ ली और एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। इससे पता चलता है दोस्तों कि महाराष्ट्र हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। अब महाराष्ट्र जहां किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है, वहां को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, एक ऐसा अपडेट जो बीजेपी को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। दोस्तों बीजेपी हमेशा एक दाव चलती है और वो ये मानकर चलती है कि सामने वाले के पास उस दाव का जवाब नहीं होगा। वो दाव है मुख्यमंत्री के नाम का दबाव, और इस दाव को बीजेपी अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में अगर उसके पास कोई एक चेहरा नहीं है या फिर वो किसी एक को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती, तो वो संयुक्त एक तरह से सारे नेताओं को एक साथ लेकर संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, और हरियाणा जैसा राज्य जहां उसको ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति कमजोर है या वो हार सकती है, तो वो सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है। तो अब जब महाराष्ट्र में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो एक महत्वपूर्ण फैसला है, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो हर गठबंधन से पूछा जा रहा है, और वो है कि सीएम कौन। हमारे देश में दोस्तों वैसे भी सीएम और पीएम के लिए चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव विधायक के लिए होते हैं, विधायक सीएम चुनते हैं, वैसे ही चुनाव सांसद के लिए होते हैं, सांसद पीएम चुनते हैं। लेकिन हाल के सालों में हमारे देश में चुनाव जो हैं वो एक तरह से फेस के इर्द गिर्द से मटने लगे हैं, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले महाविकास आघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संकेत दिया गया कि महाविकास आघाड़ी एक साथ है, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इस तरह की बयानबाजी भी हुई कि ये महाविकास आघाड़ी जो अभी जिस प्रारूप में है महाराष्ट्र में, क्या उसी प्रारूप में चुनाव लड़ने जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी दिलचस्प सा सवाल पूछा गया शरद पवार से भी, उद्धव ठाकरे से भी, कि आपका गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है उसका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। इस सवाल के जवाब में बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है उद्धव ठाकरे ने मीडिया को। उन्होंने कहा, पहले महायुति को अपना सीएम चेहरा घोषित करने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हमारा सीएम चेहरा कौन होगा। सरकार में होने के कारण महायुति को सीएम का चेहरा घोषित करना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प बात दोस्तों उद्धव ठाकरे ने कही, जिनकी पार्टी की तरफ से हरियाणा के इलेक्शन के बाद से कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं सीएम कैंडिडेट, जो सरकार में उनसे पूछिए ना, क्योंकि वो तो सरकार में दोबारा आने का वोट मांगेंगे, हम तो विपक्ष में हैं, तो दावेदारी पहले वो अपनी ठोक रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन होगा। अब दोस्तों ये जो दाव है उद्धव ठाकरे ने ऐसे ही नहीं चलाया, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे सवाल पूछा गया वही सवाल पूछा गया शरद पवार से भी, और शरद पवार ने भी एग्जैक्टली यही जवाब दिया। यही नहीं दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि कांग्रेस को ही चेहरा घोषित करना चाहिए या एनसीपी एसपी को ऐसा करना चाहिए, मैं उनके द्वारा घोषित चेहरे का समर्थन करूंगा। मतलब ये तो एक कदम और आगे जाने जैसा है कि कांग्रेस और एनसीपी अगर कोई चेहरा घोषित करती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। उद्धव ठाकरे, जिनकी दावेदारी बनती है, जिनकी सरकार गिराई गई थी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई थी ना, और विधानसभा को ही लेकर चुनाव है, और इस तरह के चुनाव में स्थानीय चेहरे बहुत बड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे का चेहरा, शरद पवार का चेहरा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी के चेहरे से बड़ा है, और महाराष्ट्र में वैसे भी ये दो बड़े नाम हैं। तो इस बयान के बाद आप ये कह सकते हैं कि सीएम कौन, इस सवाल को लेकर महायुति के अंदर कम से कम कोई पशुपेश या कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा चेहरा है महायुति के अंदर, और शरद पवार सबसे बड़ी रणनीतिकार हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि गठबंधन के सहयोगी कोई भी हो, हर पार्टी चाहती है कि सीएम उसका बने। कुछ दिन पहले दोस्तों जब हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आए थे, उससे पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी यही सवाल पूछा था कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, सूत्र ये बताते हैं कि यही जवाब दिया था कि पहले उनको घोषित करने दीजिए, मतलब एनडीए को। और जब राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे मिले थे तब राहुल गांधी ने भी यही कहा था, एक तरह से हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात कही थी, लेकिन इशारों इशारों में राहुल गांधी ने कह दिया था कि हम आपके साथ खड़े हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी या शरद पवार या फिर किसी भी सहयोगी दल के अंदर, मायावती के अंदर इस बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उद्धव ठाकरे को ही सीएम बनाना है अगर
सरकार इस गठबंधन की आती है तो फिर आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों कि नाम घोषित करने में क्या दिक्कत है। दोस्तों महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे बड़ा मराठा चेहरा में से एक है। दोस्तों अगर उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान किया जाता है तो इंडिया गठबंधन को डर है कि कहीं हरियाणा जैसी गोलबंदी ना हो जाए कि जाट चेहरा घोषित किए बगैर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतना बड़ा चेहरा थे, उन्हीं के कहने पर इतने टिकट बांटे गए, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे के पूरे चुनाव की पटकथा लिखी कांग्रेस ने और वो बैकफायर कर गया कांग्रेस को, जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया। और ऐसे में अगर एक सीएम कैंडिडेट आप घोषित करते हैं जो कि इतना एग्रेसिव और इतना बड़ा चेहरा है मराठा अस्मिता का, तो ऐसे में दोस्तों दूसरी जाति के जो लोग हैं उसी राज्य में रहने वाले वो लामबंद हो सकते हैं जिसमें बीजेपी माहिर है। तो इस बात का डर शुरुआत से ही है इंडिया गठबंधन को और इसीलिए किसी नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा। लेकिन आप देखिएगा पूरा का पूरा जो चुनाव होगा वो उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही कांग्रेस पार्टी या फिर शरद पवार लड़ेगी। शरद पवार के पास तो कोई बहुत बड़ा चेहरा है भी नहीं स्थानीय लेवल पर, शरद पवार खुद बहुत बड़े चेहरे हैं लेकिन उनकी उम्र उन्हें सीएम बनने की इजाजत भी नहीं देती और वो बनने भी क्यों चाहेंगे, वो सीएम से कहीं ऊंचे पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा दूसरा कांग्रेस पार्टी के पास भी नाना पटोले एक ऐसा चेहरा है जिनका महाराष्ट्र के खास इलाके में ही उनका जनाधार है। पूरे महाराष्ट्र में नाना पटोले का अगर जनाधार ही कहा जाए तो थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उद्धव ठाकरे सबसे प्रमुख चेहरा है, उद्धव ठाकरे के साथ एक सिंपैथी वोटर है कि भाई पिता की बनाई हुई पार्टी बेटे को दी गई और बेटे से पार्टी छीन ली गई। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत से फैक्टर्स हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे के पीछे ही इंडिया गठबंधन दिखाई देगा। अप्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे ही इंडिया गठबंधन का चेहरा होंगे। दोस्तों अब ऐसा करके इंडिया गठबंधन ने एनडीए के पाले में गेंद डाल दी है। अब एनडीए क्या करेगा, एनडीए एकनाथ शिंदे को आगे करता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे कि जब सीएम इनका ही बनना है, मतलब दूसरी पार्टी का बनना है तो फिर हम क्यों मेहनत करें। ये हौसला तोड़ने वाला होता है ना पार्टी के अंदर। देवेंद्र फडणवीस को करते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे कि सीएम इनका बनना है तो हम क्यों मेहनत करें। वैसे भी दोस्तों एनडीए के अंदर महाराष्ट्र में जितने फ्रैक्शंस हैं उससे कम फ्रैक्शन इंडिया गठबंधन में दिखते हैं। फ्रैक्शंस दोनों में होते हैं, गठबंधन तो दोनों का बेमेल है क्योंकि दोस्तों बाला साहब ठाकरे कांग्रेस के खिलाफ की राजनीति करते रहे हैं लेकिन वक्त ऐसा बदलता है कि राजनीति में कई ऐसी पार्टियां भी साथ आ जाती हैं जिनका एक दूसरे के खिलाफ वोट बैंक रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दोनों गठबंधन में जो कि आज से पहले नहीं हुई। तो दिक्कत यह है दोस्तों कि जो सवाल अब उद्धव ठाकरे ने एनडीए से पूछ लिया है उसका जवाब एनडीए के पास भी नहीं है। एक्चुअली में उद्धव ठाकरे ने ये सवाल पूछकर एनडीए को फंसा दिया है। तो अब आप देखिएगा महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन से सवाल ही नहीं पूछेंगे कि अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कीजिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर भी ये प्रेशर आ जाएगा और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर जो मुझे लगा, बहुत ही स्मूथ रिश्ते लगे तीनों ही पार्टियों में, जबकि तीनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी है। बल्कि मैं तो कहूंगी भले ही नंबर वन पार्टी कांग्रेस बनी हो महाराष्ट्र में लेकिन शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ने कमाल कर दिया। अपना पहला चुनाव उद्धव ठाकरे ने अपनी नई पार्टी नए सिंबल के साथ पहला चुनाव लड़ा और शरद पवार ने नई पार्टी नई सिंबल के साथ पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद भी इतना शानदार प्रदर्शन, ये दिखाता है कि दोनों को लेकर क्या जबरदस्त माहौल है महाराष्ट्र में। दोस्तों अभी दो दिन पहले ये बयान दिया था शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कि 210 सीटों पर सहमति बन गई है। सीट शेयरिंग का जो काम था वो भी 80% महाविकास आघाड़ी में हो चुका है। हो सकता है कि जब तारीखों का ऐलान हो उसके तुरंत बाद महाविकास आघाड़ी सीटों का भी ऐलान कर दे, क्योंकि सीटों को लेकर मंथन महाविकास आघाड़ी के बीच काफी दिनों से चल रहा है, हरियाणा इलेक्शन के दौरान ही चलना शुरू हो गया था। तो ये बातचीत भी काफी हद तक आगे बढ़ गई है, बातचीत दोस्तों उधर भी आगे बढ़ी हुई है एनडीए में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम के नाम के ऐलान की बात करके और सीटों के ऐलान की बात करके आप कह सकते हैं कि एक एज बनाने की कोशिश तो उद्धव ठाकरे ने या फिर ये कह ले इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में की ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरह की स्थितियां पनपती हैं, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या आप बहुत लोकल इस चुनाव को होता हुआ देखेंगे, क्योंकि ये चुनाव जितना लोकल होगा ना ये चुनाव उतना इंडिया गठबंधन के फेवर में जाएगा और जितना ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा जिस पर
मोदी जी चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिम तुष्टिकरण का मामला हो या दूसरे मुद्दे या हिंदुत्व का मामला हो, जो कि मोदी लगातार अपने भाषणों में उठाते रहते हैं, अगर ये मुद्दे चले दोस्तों तो उतना ही ये चुनाव एनडीए के पाले में जाता दिखाई देगा। आपके हिसाब से कौन से मुद्दे चल सकते हैं महाराष्ट्र में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।